नमस्कार, मैं फिरोज हाशमी। चुनाव से पहले बीजेपी अजीत पवार को घोटालेबाज कह रही थी। बैंक घोटाले से लेते हुए अन्य घोटाले में उनका नाम सामने आ रहा था और आज अचानक वो बीजेपी का समर्थन किए और बीजेपी उसी घोटाले नेता को साथ लेकर सरकार बनाई। ये सब कैसे हुआ? शरद पवार के बैनर तले काम करने वाले नेताओं का पूरे महाराष्ट्र में जन आक्रोश दिखाई दे रहा है। थाने में एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने अजीत पवार का जमकर विरोध किया, यहां तक उनके नाम का नारा भी लगाया मिलिंद पाटिल ने। और कलवा मुमरा के अध्यक्ष शमीम खान ने क्या कहा, पहले सुनिए। भावना से आज तीन अलग अलग पक्ष अपने अलग अलग विचार छोड़ के एक संघ हो गए, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता का हित चाहते थे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आज अजित दादा पवार ने जो काम किया है उनका निषेध हम लोग व्यक्त करने के लिए आज राष्ट्रवादी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे जमे हुए, और हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि आवार साहब, पवार साहब, हम आपके साथ हैं, आप कुछ डरो मत, आप आगे बढ़ो, हम आपके हमेशा साथ हैं। माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब का जो फैसला था उसको सराहनीय था। देश के लोगों ने, सिर्फ महाराष्ट्र के लोग, जनता ने नहीं बल्कि देश के लोगों ने ये इस बात को माना था कि जो शरद चंद्र जी पवार साहब का फैसला है बीजेपी को ख़त्म करने के लिए, बहुत अच्छा फैसला था। लेकिन जो अजीत दादा पवार ने गद्दारी की है, ये गद्दारी सिर्फ महाराष्ट्र के साथ में नहीं हुई है बल्कि ये गद्दारी देश के साथ में हुई है, और इसकी माफ़ी नहीं होगी। और हम लोग तमाम लोग, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार, हम लोग माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब और अवार साहब के साथ में हम लोग खड़े हैं। तो लगातार अजीत पवार पर लोगों का निशाना साधना शुरू है। एक महीने से सरकार बनाने को लेकर महाराष्ट्र में खींचातानी चल रही थी, लेकिन आज सुबह अचानक तस्वीरें सामने आई। अजीत पवार ने शपथ ग्रहण कर ली है, वो भी जो है डिप्टी सीएम की। अब उम्मीद जताई जा रही है, कुछ लोग अब ये कहने लगे हैं अजीत पवार रिटर्न आने वाले हैं। अब ये कितना सही है, कितना सही साबित होगा, ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन अनुमान जरूर लगाया जा रहा है चाचा भतीजे में अंदरूनी साठगांठ क्या हुई है। जबकि शरद पवार पत्रकार परिषद में साफ साफ कह दिए हैं, हमें किसी तरह की जानकारी नहीं थी अजीत पवार ऐसा कांड करेंगे, और हम बीजेपी पार्टी का विरोध करते हैं और हम ही सरकार बनाएंगे, क्योंकि 30 तारीख को बीजेपी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई। और थाने में जिस तरह से कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन चला, जिसमें मिलिंद पाटिल, शमीम खान व एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे, इस दरमियान मिलिंद पाटिल अजीत पवार का पोस्टर को जलाने की कोशिश की, मगर वहां पर तैनात पुलिस पोस्टर को थाम ली। और शमीम खान ने भी जो है जमकर नारे लगाए हैं, जो कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जिसके कारण पोस्टर नहीं जला पाए। जो तस्वीरें सामने आई है उनमें ये साफ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।